कक्षा 9 की प्रश्नावली 3 तो होगी। आज है प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 ये है कि दो चरों वाले समीकरण है, दो चरों वाले समीकरणों को अपने को क्या करना है, हल करना है। तो पहले तो ये देखो कि समीकरण और बहुपद दो चीज़ होती है, एक तो होता है बहुपद, एक होता है समीकरण। इन दोनों में अंतर क्या है? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बहुपद रखा हो गया शून्य ज्ञात करो, और वही क्वेश्चन जब समीकरण पूछ ले तब बोलते हैं मूल ज्ञात करो। तो दोनों है क्या? तो दोनों में अंतर इतना ही है कि समीकरण में बराबर में कुछ न कुछ आता है या जीरो आता है, और बहुपद में बराबर में कुछ ही नहीं आता। या ये बोल दो इसमें एक पक्ष ही आता है और इसमें एक पक्ष आते हैं दो, LHS और RHS। अब ये तो पता चल गया समीकरण होता क्या है, यानी जिसके RHS में कुछ न कुछ हो या बराबर में जीरो हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा? समीकरण होगा। अब समीकरण है एक तो एक चर वाला और एक है दो चर वाला। अब एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण होते क्या है? पहले तो ये देखो चर क्या होता है, ये चर क्या होता है? तो एक तो होता है अचर और एक चर। साधारण भाषा में ये बोल दो कि केवल गणितीय मान हो, दो केवल गणितीय मान हो, जैसे 5-2 7/2, इनको बोलते हैं अचर। इनको क्या बोलते हैं? अचर। और यही जब ये चर अचर इन चर के साथ आ जाए, या ये बोल दो अंग्रेजी वर्णमाला के साथ आ जाए, तो क्या बन जाएगा ये चर? जैसे 5 आ गया अक्ष के साथ तो ये बन गया चर, या 5x² आ जाए, या 7/2 वाई आ जाए, या -2y² z आ जाए। तो इनको क्या बोलते हैं? हमें चर बोलते हैं। अब यहाँ तक तो आपको आ गया कि चर क्या होता है और अचर। तो हम पढ़ेंगे कि समीकरण एक तो एक चर वाले और एक दो चर वाले। तो ये तो पता चल गया ये चर है। अब एक चर एक होते हैं एक चर वाले और एक होते हैं दो चर वाले। जिनमें एक चर हो वो एक चर वाले समीकरण, और जिनमें दो चर हो वो दो चर वाले समीकरण। कैसे? जैसे दे रखा है 5x2x+5=0, बराबर है कुछ ना कुछ, यानी समीकरण। अब इसमें देख ये देखो चर कितना है, यानी ABCD वाली संख्या कितनी बार है, तो ABCD संख्या वाले कितनी बार है? एक। मान लो ये आ जाए कि 2x² या 5x² + 7=0, या ये आ जाए, हाँ तो इसको भी क्या बोलते हैं? एक चर वाला समीकरण। या ये आ जाए 3x² + 2x - 5=0, तो ये भी क्या होगा? एक चर वाला समीकरण। ये बोल सकते हैं कि एक चर में द्विघात समीकरण है। क्यों? चर तो क्या आ रहा है इसमें? एक्स ही आ रहा है। बात हम चर की कर रहे हैं तो चर तो क्या आ रहा है इसमें? एक्स ही आ रहा है। तो ये क्या हो गया? एक चर वाला समीकरण है। और ये भी क्या है? एक चर वाला समीकरण है। ये भी एक चर वाला समीकरण। जैसे वाई की बात करो तो 5y + 7 आ गया, या 3y² + 4y² कुछ भी उदाहरण लो, ऐसे वाई मान लो यहाँ पर। तो ये क्या है? एक चर वाले समीकरणों के उदाहरण है, यानी इनमें चर एक ही अणचे। अब वो एक चर जैसे एक्स है तो एक्स में एक्स भी आ सकता है, x² भी आ सकता है, x³ भी आ सकता है। वाई है तो वाई में वाई भी आ सकता है, y² भी आ सकता है, y³ भी आ सकता है। यदि ये एक्स और ये y² आ गया, जैसे क्या ये आ गया, तो ये क्या हो गया? दो चर वाले समीकरण हो गए। यानी एक ही समीकरण में दो चर आ जाए तो होगा दो चर वाले समीकरण। जैसे ये लिख दो कि 3x + 4y = 9, तो ये हो गया दो चर वाला समीकरण हो गया। क्यों हो गया? कि इसमें दो चर है, एक तो एक्स है और एक वाई है, तो इनको बोलेंगे दो चर वाले समीकरण। अब ये तो पता चल गया कि एक चर वाले कौन से और दो चर वाले कौन से। अब इनको एक चर वाले और दो चर वाले को हमें कार्तीय तल पर अंकित करना भी सीखेंगे। उससे पहले हम ये सीखेंगे कि जो दो चर वाले समीकरण होते हैं या एक चर वाले समीकरण होते हैं,
इन समीकरणों में हम ये देखेंगे ए बी सी का मान कैसे निकाल दिया, इन समीकरण का व्यापक पद क्या होता है। तो इस समीकरण का व्यापक पद होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, मतलब ये सारे मान बराबर के एक साइड ही आने चाहिए। एक तो ये बात ध्यान रखना है ए बी सी का मान निकालते टाइम कि सारे मान बराबर के एक साइड ही आने चाहिए। दूसरी बात ध्यान ये रखनी है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा, या ये बोल दो एक्स स्क्वायर का गुणा किसका मान होगा, एक का, या हम वाई मान लो दो चर वाले पढ़ रहे हैं, दो चर वाले पढ़ रहे हैं, तो एक्स के साथ वाला ए, वाई के साथ वाला मान होगा बी, और जो अचर पद बच जाए वो होगा सी का मान। ये मान प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। कैसे, जैसे एक प्रश्न है कि तीन एक्स माइनस चार वाई प्लस सात बराबर जीरो, और आपको ये बोल दे कि इनमें ए बी सी का मान ज्ञात करो, तो इनका व्यापक पद क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। एक्स के साथ पहले तो ये देखो सारे मान बराबर के एक साइड है क्या, एक साइड है, तो व्यापक पद इसके अनुसार हम ए बी सी का मान निकालेंगे। एक का मान तो क्या होगा, एक्स के साथ वाला, एक्स के साथ वाला कितना है तीन। बी का मान क्या होगा, बी का मान होगा वाई के साथ वाला, या वाई का गुणांक कितना होगा माइनस चार, और सी का मान होगा अचर पद, या ये बोल दो ए का मान एक्स का गुणांक होगा, बी का मान वाई का गुणांक, और अचर पद होगा वो सी का मान। और ध्यान ये रखना है कि सारे मान ये बराबर के एक साइड आने चाहिए। जैसे इनके प्रश्न हल करें हमें, तो प्रश्न देखना अभी, ये व्यापक व्यापक पर लिख दो यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये है दो चर वाले का व्यापक पद। तो देखो प्रश्न है, जैसे दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर 9.35, और पाँच के ऊपर क्या लग रहा है बार। दूसरा है एक्स माइनस वाई बटे पाँच माइनस 10 बराबर जीरो। तीसरा है माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई बराबर 6। चौथा है एक्स बराबर तीन वाई। पाँचवा है दो एक्स बराबर माइनस पाँच वाई। छठवा है तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो। अब देखो क्या करना है अपने को, ए बी सी का मान ज्ञात करना है, और व्यापक पद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में भी लिखना है। तो जब ये व्यापक पद के रूप में होंगे तभी तो हम ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो इनको पहले व्यापक पद के रूप में लिखो। व्यापक पद के रूप में मैंने ये बताया कि सारे मान बराबर के एक साइड ही आने चाहिए। तो देखो ये दो तो एक साइड ही, इसको इस साइड लेके आ जाओ, यानी माइन 9.35 बराबर के इस तरफ आएगा, तो इनका पक्षांतरण होगा, और पक्षांतरण होगा तो ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का 9.35, पाँच के ऊपर क्या है बार, यानी इसकी पाँच की पुनरावृत्ति हो रही है। अब तो इस तरफ कुछ नहीं है, कितना लिख दिया जीरो, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में तो ये आ गया। अब क्या बताना है अपने को, ए बी सी का मान बताना है। तो ए का मान क्या होगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है दो। बी का मान होगा वाई के साथ वाली संख्या, या वाई का गुणांक, बी का मान होगा तीन, प्लस का तो प्लस का लिखो माइनस का तो, और सी का मान होगा अचर पद कितना है माइनस 9.35, और पाँच के ऊपर बार। अब बारी अगले किस्म की, पहले व्यापक पद के रूप में लिखना है, यानी सारे मान बराबर के एक साइड आने चाहिए, इसमें सारे मान बराबर के एक साइड है। व्यापक पद में तो है, अब व्यापक पद में है तो
ए बी सी का मान ज्ञात करो। ए का मान होगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है? अब ये एक्स है, इसको हम एक एक्स भी तो लिख सकते हैं, ये भी एक एक्स है, ये भी एक एक्स है, तो एक्स का गुणांक होगा एक। वाई का गुणांक या बी का मान क्या होगा? माइनस वाई के साथ एक बटे में है पाँच, तो बी का मान कितना आ गया? माइनस एक बटे पाँच। सी का मान ज्ञात करना है, सी क्या होगा? अचर पद, और अचर पद क्या है? स्वयं माइनस के दस। इस प्रकार क्या करना है अपने को? ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। ऐसे ही माइनस दो एक्स प्लस तीन वाई, ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस में, व्यापक पद के रूप में तो लिख दिया। अब ए बी सी के मान बताने हैं, तो ये तो होगा ए का मान, वाई का गुणांक बी का मान होगा, प्लस के तीन होगा बी का मान, और अचर पद सी का मान होगा, यानी माइनस छः होगा सी का मान। आगे देखो तो आगे क्या करना पड़ेगा? इनका पक्षांतर करना पड़ेगा। एक्स प्लस का इस तरफ आ जाएगा माइनस बराबर में जीरो। ए बी सी के मान बताने, एक का मान होगा एक्स के साथ वाली एक, बी का मान होगा वाई के साथ या वाई का गुणांक माइनस तीन, और सी का मान होगा अचर पद, अचर पद इसमें है नहीं तो कितना होगा? जीरो। इसी प्रकार इसको भी ऐसे करना है, दो एक्स बराबर की इस तरफ लेके आओ प्लस का पाँच वाई बराबर जीरो, व्यापक पद के रूप में तो लिख दिया। एक्स के साथ दो है तो ये तो होगा एक का मान, वाई के साथ वाला बी का मान, और अचर पद है नहीं तो अचर पद क्या होगा? शून्य। जो पद ना हो उसको कितना मानेंगे? जीरो मानेंगे। इसमें एक्स के साथ वाला मान होगा एक का कितना? तीन। पहले व्यापक पद लिखो इसका, व्यापक पद में ये, या इसको ये लिख दो ए एक्स प्लस जीरो वाई प्लस दो बराबर जीरो। ए का मान होगा तीन, बी यानी वाई के साथ जीरो, और अचर पद होगा सी का मान। ऐसे अपने क्या करने हैं? ए बी सी के मान के आते करने हैं।